नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया पावर न्यूज पर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगर को जब से जिला बनाया गया है कई विकास कार्यों की सौगात दी गई है। कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली वर्तमान प्रदेश सरकार जनसेवा के उद्देश्य से कार्य करने वाली सरकार है। इसका साफ उदाहरण कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कमान संभालते ही कोविड-19 से निपटने के लिए प्रदेश की जनता के हित में तत्परता से निर्णय लेकर इस महामारी से बचाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बिना मंत्रिमंडल के विस्तार के ही अकेले ही कोरोना से निपटने में जो निर्णय लिए एवं तत्परता दिखाई वह तारीफ़े काबिल है। राज्यसभा सांसद श्री सिंधिया ने कोरोना से बचाव में लगे चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल एवं पुलिस विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं उन सभी के लिए नतमस्तक हूं जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस कोरोना रूपी जंग में वायरस को हराने हेतु कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में देश की 130 करोड़ जनता की जान बचाने के लिए समय पर लॉकडाउन का महत्वपूर्ण फैसला लेकर विश्व को एक नया रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हो या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछली सरकार ने जो किसानों एवं जनता से वायदे किए थे 15 माह के कार्यकाल में उनमें से एक भी पूरे नहीं किए, जबकि वर्तमान सरकार ने कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी मजदूर, बेरोजगार, महिलाएं एवं सभी ज़रूरतमंदों के हित में निर्णय लेकर लागू किए गए हैं। इस अवसर पर मंत्री मोहन यादव, राजगढ़, रोडमल नगर, भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप सकलेचा, जिला प्रभारी अंबाराम कराड़ा, विधानसभा उपचुनाव प्रभारी जगदीश अग्रवाल, विस्तारक अमृत लाल शर्मा, कैलाश कुंभकार, विधायक सुसनेर विक्रम सिंह राणा, बहादुर सिंह चौहान, सोनू गहलोत, पूर्व विधायक श्रीमती रेखा रत्नाकर, लालजी राम मालवीय, गोपाल परमार, मुरलीधर पाटीदार, फूलचंद बेदिया, बद्रीलाल सोनी, जिला महामंत्री श्याम सिंह परियार, प्रेम मस्ताना, पर्वतलाल गुहाटिया, करण सिंह यादव, सतीश सिंगल, कैलाश काकागौली, श्रीमती कलाबाई गुहाटिया, श्रीमती संगीता देसाई, पुलिस महानिरीक्षक राकेश गुप्ता, DIG मनीष कर्पूरिया, कलेक्टर अवधेश शर्मा, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर, जिला पंचायत CEO श्रीमती अंजलि जोसेफ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन MP एग्रो जिला प्रबंधक OP विजय वर्गीय ने किया तथा आभार कलेक्टर श्री शर्मा ने माना। जिला आगर मालवा से संवाददाता गोवर्धन कुंभकार की रिपोर्ट। Yeah.
सरकार अपने जो पहाड़ मजदूर थे उनके खाते में 1,000 डाले, जो निर्माण श्रमिक थे उनके खाते में 2,000 डाले, ये हाथ छेड़ा तो सब्जी बेचने वालों, फल बेचने वालों, चाय की छुट्टी वालों, पानी की छुट्टी वालों, ये नाई भाइयों, ये बड़े भाइयों, ये धोबी भाइयों, 8 बजे 5 बजे रोटी मैं जिंदे गए तो गाँव में छोटे साफ करे मैं आया मैंने पूछा कि खरीदी की क्या व्यवस्था है उनकी लड़की कोरोना आ गया था पश्चिम बंगाल में तो है हाँ वही वाली वो वाली किसानों के गेहूं एक एक दाना खरीदूंगा और आज गर्व के साथ कहता हूँ मेरे बहनों और भाइयों गर्व के साथ 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारा गेहूं खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप बताओगे कमलनाथ होते किसानों का गेहूं खरीद लेगा? ब्याज कौन खरीदेगा? वो तो मामा ही देखेगा जब तक पड़ेगी। क्या कमलनाथ फिर से दर्द होते?